ओडिशा के राउरकेला में आयोजित फर्स्ट ऑल इंडिया अंडर 16 वुमेन हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने जीत का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनांदगांव की सब जूनियर बालिका हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में मेजबान ओडिशा को हराकर इस खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं जब ये खिलाड़ी राजनांदगांव पहुंचे तब खेल प्रेमियों के साथ जनता ने भी इनका भव्य स्वागत किया। टीम के कोच मृणाल चौबे ने बताया कि ओडिशा में बच्चियां बहुत अच्छा हॉकी खेली, बच्चियों ने एक भी मैच नहीं हारा और भगवान की दया से किसी भी खिलाड़ी को चोट नहीं आई, जिसके कारण हम जीत तक पहुंचे। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने अपने खेल के प्रदर्शन से न केवल वहां पर फाइनल मैच जीता बल्कि उड़ीसा की जनता का दिल भी जीता। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इन खिलाड़ियों ने किया और बहुत रोमांचक मैच वहां पर हुआ। एक एक बराबरी के पश्चात शूट आउट भी बराबर रहा, सडन डेथ में मैच का निर्णय आया और यह टूर्नामेंट हम सभी जो छोटी बच्चियाँ हैं उनके लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, पहली बार इनको फ्लड लाइट में खेलने का मौका मिला, पहली बार ये पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारी। इनमें से बहुत सारी खिलाड़ियाँ थी जो पहली बार राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। हमने छत्तीसगढ़ हॉकी के मार्गदर्शन में इसके लिए अच्छी तैयारी की थी जिसके फलस्वरूप हम इस चैंपियनशिप के विजेता बने और मेरे लिए पर्सनली भी यह प्रतियोगिता बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से डिप्लोमा लेने के बाद पहला यह मौका था जब मैं अपने लर्निंग को प्रैक्टिकल रूप पे इस पर किसी टीम के साथ अप्लाई कर सकूं। तो सभी मायनों में हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और सबसे हम सबको बहुत ही अच्छे महसूस हो रहा है। हमने इसके लिए बहुत एफर्ट्स डाले थे, हमने इस टूर्नामेंट के लिए इस मैच में बहुत मेहनत किया था, हम सब ने बहुत मेहनत करके इस गेम को जीता है। सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सबका फर्स्ट टाइम था फ्रेडाइट में और सबने बहुत अच्छा गेम का प्रदर्शन किया। वहाँ के मैचेस बहुत रोमांचक रहे, कभी हार तो कभी जीत। पहले तो 1-1 का ड्रॉ हो गया, फिर शूटआउट में भी ड्रॉ हो गया एंड देन फिर उसके बाद बहुत कोशिशों के बाद हम 1 स्कोर से जीते।